दोस्तों आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। आपने बहुत सारे घर देखे होंगे लेकिन आपने कभी बर्ड का घर देखा है, चिड़ियों का घर? ये देखो चिड़ियों का घर, मैं आपको दिखाता हूँ चिड़ियों का घर। ये हरियाणा में दारूवेड़ा जगह है और यहाँ पे देखो बर्ड का घर। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके अंदर देखो बाकायदा बच्चे बैठे हुए हैं और अंडे भी हैं। और हम लोग तो घर में शांति से बैठ जाते हैं और ये चिड़िया जानवर बच्चे ये सब धूप में परेशान होते हैं। इस भाई की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है कि इन्होंने अपने घर के सामने और ये बर्ड का छोटे छोटे घर बना के देखो इतने क्यूट से लग रहे हैं। कलर वाइज बहुत अच्छी सुविधा है और नीचे पानी की व्यवस्था है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था की हुई है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से अपने घर के आगे बना सकते हैं, एक क्यूट सा घर बनवा के रख सकते हैं चिड़ियों के लिए। ये देखो चिड़िया, ये जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर बैठी हुई है और बड़े ही सुकून से बड़ा ही आराम है यहाँ पे बैठे हुए। बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है भाई। इस बंदे की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है भाई। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा ये इस तरह से चिड़ियों का घर भाई, कमाल है भाई। देख सकते हैं आप, ये आ गई चिड़िया, आ गई बर्ड। और ये देखो कुछ ही टाइम बाद बैठेगी इसमें, कुछ टाइम बाद बैठेगी देखो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये दारूवेड़ा जगह है हरियाणा में। तो दोस्तों देखा होगा आपने चिड़ियों का घर, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें देखिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और चिड़ियों की इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है इन्होंने। देखो कितना क्यूट घर है कलर वाइज और नीचे पानी की व्यवस्था है। ये चिड़ियाँ बेचारी परेशान रहती हैं धूप में और बड़े ही आराम से उसमें बैठ के अपना खाना पीना खा रही हैं और नीचे पानी की व्यवस्था है। तो आप लोग भी इस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं अपने अपने घरों पर, एक छोटा सा हाउस बनवा के उसमें छोटा सा छेद करवा के और अपने घर के लेंटर या छत के नीचे लगा सकते हैं उसको, जिससे कि चिड़ियाँ आराम से बैठकर वहाँ रह सकें। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद जय भारत।